प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में क्या होता है कि चूंकि जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के नतीजे में क्या हो रहा है कि प्लेटलेट ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। इसलिए ऐसे इस कंडीशन में जब जब कभी भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा या तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में देखोगे कि ये प्लेटलेट ज्यादा मिलता है, चूंकि जैसे ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इन्फ्लामेटरी एंजाइम सब भी रिलीज करने लगेगा और लिकोट्राइन्स और पीएएफ दोनों रिलीज होगा ज्यादा, और जब प्लेटलेट ज्यादा रिलीज होगा तो वो और ज्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काउज करेगा। अब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन काउज करने से क्या होगा कि आपको इस्केमिया, इस्केमिया से पेन, ठीक है। तो तीन चीजें, प्रोस्टाग्लैंडिन, वैसोपेसिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, तीनों का मैकेनिज्म जो है वो एक ही तरह से काम करता है, बस अलग अलग ये है जो कि आपको, लेकिन तीनों का ओवरऑल जो है वो किसी को भी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है सर किसी को सिर्फ एक ही वजह हो सकती है क्या सर? किसी को प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर जो है एक ही काउज किसी को हो सकता है सर? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर मे बी हो सकता है, क्योंकि सातों आठों काउज जो बता रहा हूँ इसमें से कोई सिंगल काउज भी हो सकता है, मल्टीपल काउज भी हो सकता है, इसीलिए तो काउज के साथ पैथोजेनेसिस भी बता दे रहा हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट जो काउज है जी सर इंडोथेलाइंस, इंडोथेलाइंस क्या करता है कि इंडोथेलाइंस जो है आपको मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ड्यू टू जोनल जंक्शन की वजह से, जोनल जंक्शन की वजह से, ड्यू टू जोनल जंक्शन की वजह से, और जिसकी वजह से जो है आपको मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा स्मूथ मसल्स में, तो वापस से इसमें भी क्या हो जाता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाता है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन खुद पेन काउज करता है, दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से किसी चीज को बार बार ये करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें पेन आएगा ना, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन हो रहा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सीक्रेशन फर्दर सेम साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अगर एक इसका फ्लो चार्ट बनाना चाहो के जो है कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर प्रोजेस्टेरोन या ये जो है रिलीज करता है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखो ऊपर में पॉसिबल काउज ऑफ पेन इन डिसमेनोरिया, पॉसिबल काउज ऑफ पेन इन डिसमेनोरिया, हेडिंग बनाओ पॉसिबल काउज ऑफ पेन इन डिसमेनोरिया। सबसे पहला चीज लिखो उसमें प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन के बाद एरो दो इंक्रीज सिंथेसिस, एरो देके लिखो नीचे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमको मिल गया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एरो बना के दो पार्ट में डिवाइड करो, फ्लो चार्ट की तरह दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में लिखो इंडोथेलिन, ल्यूकोट्रिएंस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर,
endothelins, leukotrienes and platelet activating factor. ये तीनों इंक्रीज होगा, ये तीनों इंक्रीज हो जाएगा. नतीजे में क्या होगा इसके, वापिस से एरो बना के लिखो, इंक्रीज मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन. With the help of junctional zone, with the help of junctional zone, dysrhythmia, with the help of junctional zone, dysrhythmia, with the help of junctional zone, dysrhythmia. Okay. अब दूसरी चीज क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन से जो दूसरा साइड में बनाया है उस साइड में लिखो. प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से काउस क्या कहता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. खुद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काउस किया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के नीचे फिर लिख दो क्या हुआ कि रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया, रिड्यूस ब्लड फ्लो हो गया. रिड्यूस ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या हो गया, मायोमेटेरियल हाइपोक्सिया हो गया. मायोमेटेरियल हाइपोक्सिया हो गया. रिड्यूस ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगा कि मायोमेटेरियल हाइपोक्सिया हो गया. अब फिर वापिस से मायोमेटेरियल हाइपोक्सिया क्या काउज किया, मायोमेटेरियल एंजाइना. अरे देखिए फिर मायोमेटेरियल एंजाइना, एंजाइना इज द पेन. सो अब इधर से दोनों तरफ से, यानी ये एरो जो है एक तरफ से तो मायोमेटेरियल एंजाइना की तरफ से पेन नीचे लिखे, दूसरी तरफ से इधर से जो हमारा आया कि मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन जंक्शनल जोन, मायोमेटेरियल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और जंक्शनल डिसरिदमिया पैदा करता है, उसकी वो वजह लीड करता है. तो दोनों तरफ से मिला के पेन इज द फाइनल थिंग. ठीक है, जी सर. अब अगर इसका जो है नॉर्मली पेशेंट प्रोफाइल देखेंगे, यानी ज्यादातर केसेस में देखेंगे तो क्या होता है कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है अमूमनता एडोलसेंट एज में मिलता है, जो कि मेनार्च से अगले 2 सालों तक ज्यादा होता है. मेनार्च से अगले 2 सालों तक ज्यादा रहता है, चूंकि वहां पे साइकोसोमेटिक एक्टिविटी ज्यादा काम करती है. मेनार्च से अगले 2 सालों तक प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन ही में बताया गया सर. हाँ, ये प्रोजेस्टेरोन ही में बताया गया सर साइकोसोमेटिक. ये आप क्लिनिकल फीचर्स में बता रहा हूँ, क्लिनिकल फीचर्स लिख लो. आवाज नहीं आ रही थी सर इसलिए. क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में क्या हो जाएगा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया मेनली क्या होगा एडोलसेंस एज में, स्पेशली फ्रॉम मेनार्च टू 2 ईयर, फ्रॉम मेनार्च टू अप टू 2 ईयर. सेकंड क्या होगा, पेनफुल साइक्लिक कंडीशन, पेनफुल साइक्लिक कंडीशन जो के कुछ घंटे पहले मेंस्ट्रुएशन से शुरू होगा, जो के फ्यू आवर
अर्लियर शुरू होगा मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट ब्लीड से, यानी आज जैसे शाम को मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तो आज सुबह से पेन शुरू हो जाएगा, तो फ्यू आवर अर्लियर जो है शुरू होगा आपको मेंस्ट्रुएशन से, और ये जो है 24 घंटे तक अमूमनता लगातार रहता है, ये अमूमनता 24 घंटे तक लगातार रहता है। ये पेन अमूमनता रेडिएट करता है बैक की तरफ, लोअर बैक में पेन रेडिएट टू द लोअर बैक और बाइलैटरल मीडियल थाई। पेन मोस्टली जो है रेडिएट करता है, पेन मोस्टली रेडिएट करता है लोअर बैक एंड बाइलैटरल मीडियल थाई। इसके अलावा इसके कुछ सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट भी होते हैं। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट में क्या हो जाएगा, जैसे नौजिया वोमिटिंग हेडेक, नौजिया वोमिटिंग हेडेक, नौजिया वोमिटिंग हेडेक, फैटिक, डायरिया, टैकिकार्डिया, डायरिया, टैकिकार्डिया एंड मूड स्विंग, डायरिया, टैकिकार्डिया एंड मूड स्विंग। इसके अलावा चूंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो लोकल के साथ साथ कभी कभी जनरल भी, जनरलाइज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो वैसी सूरत में क्या होता है कि पहला वैसोमोटर चेंजेस दिखते हैं, पैलर होने लगता है, स्वेटिंग ज्यादा होने लगता है, और कभी कभी बेहोशी आने लगती है, गसी आने लगती है, फेंट होने लगते हैं, फेंटिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसी लड़कियां या लेडी फेंट कर जाती है, फेंटिंग हो जाती है, और समटाइम तो सिंकोप में चली जाती है, एंड रेयरली समटाइम सिंकोप में चली जाती है। ठीक है, सिंकोप। अब अगर बात करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली चूंकि पेल्विक पैथोलॉजी कुछ मिलता ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, तो रूल आउट अल्ट्रासोनोग्राफी टू रूल आउट पेल्विक पैथोलॉजी इंड्यूस्ड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। USG to rule out secondary dysmenorrhea, to rule out pelvic pathology of secondary dysmenorrhea, to rule out pelvic pathology of secondary dysmenorrhea, secondary dysmenorrhea। इसका ट्रीटमेंट आज छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में समझना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के लिखने के, क्योंकि दवाइयां तो दो तीन ही हैं, लेकिन कब कैसे क्या देना है और कैसे फॉलो करना है उसका पूरा फॉलो चार्ट है, तो उसमें लगभग आधा घंटा लग जाएगा। जी सर, ठीक है, कम ट्रीटमेंट सर। हाँ, तो इसलिए इसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है जी, प्राइमरी तो हो गया सर, अब ट्रीटमेंट रह गया। हाँ, बाकी सब कुछ हो गया, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट हो गया, रह गया। जी सर, सलाम सर।